पंजाब में शुक्रवार को भारतीय वायुसेना का MiG-29 विमान क्रैश हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब विमान नवांशहर के आसमान में उड़ रहा था। विमान ने जलंधर के आदमपुर एयरबेस से 10:45 पर उड़ान भरी थी। विमान में एक ही पायलट सवार था। हालांकि पायलट समय रहते ही पैराशूट से सुरक्षित लैंड कर गया था। विमान नवांशहर के निकट पड़ते रुड़की और चूड़पुर गाँव के बीच खेतों में घिरा है। जानकारों के मुताबिक विमान को बहुत ही अनुभवी विंग कमांडर उड़ा रहे थे। विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद उसमें आग लग गई, मगर विंग कमांडर ने सूझबूझ से काम लिया। जेट को आबादी की बजाय खाली इलाके की ओर मोड़ दिया। क्रैश होते ही खेतों के नाड़ में आग लग गई। गांव के सरपंच का कहना था कि खेतों के उस पार कई घर भी हैं, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाड़ की आग पर काबू पा लिया गया। एयरफोर्स में मशीन तो वापस आ जाती है, लेकिन मशीन चलाने वाला पायलट नहीं। ऐसे में राहत की बात है कि हमारा जाबाज विंग कमांडर सुरक्षित है। हादसे के बाद एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर विंग कमांडर को वापस आदमपुर लेकर आ चुका है। नवांशहर से रजिंदर लक्की की रिपोर्ट।